Chancellor and the Honorable Minister of Education, Dr. Mahendra Reddy, Vice-Chancellor of the Fiji National University, ladies and gentlemen, Nishan Bula Namaste. मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि इस विषय पे बोलूं और आप क्या सुनना चाहते होंगे इधर एनिमन हो तो Simultaneously is going on. ऑन फिजी की मेरी पहली मुलाकात है और भारत के प्रधानमंत्री की तैतीस साल के बाद मुलाकात है यहां के जीवन में ऐसे कई मूल्य हैं जो हमें और भारत को जोड़ते हैं और ये भारत का भी दायित्व तो बनता है और फिजी का भी दायित्व तो बनता है कि हम उन मूल्यों को जितना अधिक बढ़ावा दें उन मूल्यों को जितनी अधिक ताकत दें उतना हमारी विशालता में भी फर्क पड़ेगा और हमारी ताकत में भी बढ़ोतरी होगी लोकतंत्र डेमोक्रेसी आज दुनिया में उसका जो मूल्य है उसका जो महात्मा है किसी न किसी रूप में दुनिया के सभी देश लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं कुछ लोग चाहते हुए करते होंगे कुछ लोग मजबूरन करते होंगे लेकिन आज विश्व में एक वातावरण बना है कि अगर वैश्विक प्रवाह में अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो लोकतंत्र दुनिया के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा सरल रास्ता बन गया है फ़िजी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन एक खुशी की बात है कि कुछ महीने पहले लोकतांत्रिक ढंग से आपने अपनी सरकार चुनी है फिर एक बार फ़िजी ने लोकतंत्र में आस्था प्रकट की है और जब तो फ़िजी लोकतंत्र में आस्था प्रकट करता है तब वो सिर्फ फ़िजी तक सीमित नहीं रहता है लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि जो फ़िजी को विश्व के लोकतांत्रिक फलक पर उसकी जगह बना देता है और लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जहां हरेक को अपना जीवन अपना लक्ष्य अपने इरादे अपने सपने उसे साकार करने का रास्ता चुनने का हक रहता है वो अपनी जिंदगी के फैसले आया एक राष्ट्र के रूप में भी एक सामूहिक मन के साथ कर सकता है और अगर कोई गलती भी हो जाए तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें सुधार की पूरी संभावना रहती है मैं आशा करूंगा कि फिजी ने जो लोकतंत्र के मार्ग को स्वीकार किया है वो और फले फूले खिले यहां का मन भी लोकतांत्रिक बने व्यवस्थाएं भी लोकतांत्रिक बने और न सिर्फ फिजी इस भूभाग के और छोटे छोटे कई टापू हैं देश हैं उनके जीवन पर भी फिजी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पैदा हो और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां का लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा और अधिक सामर्थवान होगा दुनिया और एक क्षेत्र पर आज सर्वाधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है और वो है ज्ञान शिक्षा दुनिया इस बात को मानती है कि 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है और अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तो 21वीं सदी में जो भी आगे बढ़ना चाहता है जो भी अपनी जगह बनाना चाहता है वो गरीब से गरीब देश क्यों न हो अमीर से अमीर देश क्यों न हो ताकतवर देश क्यों न हो लेकिन उसे भी ज्ञान अर्जित करने के मार्ग पर जाना पड़ेगा ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा और ज्ञान के फलक इतने विस्तृत हो रहे हैं पूरा ब्रह्मांड ज्ञान पिपासुओं के लिए एक पूरा खुला मैदान है और पूरे ब्रह्मांड की जो स्थिति है उसमें आज मनुष्य जो जानता है वो तो शायद एक प्रतिशत भी नहीं जानता होगा अभी तो और कुछ जानना बाकी है और उसके लिए ज्ञान हो रिसर्च हो प्रयोग हो इस पर जितना बल मिलता है उतना ही जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे शिक्षा के दाम एक तो उनका रास्ता ये हो सकता है कि जो किताबों में है वो परोसते चले जाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हम देते चले जाएं हमारे दादा जो किताब पढ़ते थे हम भी वही पढ़े और हमारे पोते जो पढ़ने वाले हैं हम भी उनके लिए छोड़ के चले जाएं तो वो जब जीवन की स्थगितता होती है एक रुकावट आ जाती है लेकिन हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नई खोज करके जाती है नए आविष्कार करके जाती है कुछ नया प्राप्त करके दुनिया को देने का सामर्थ्य रखती है तो खोज करने वाला जो पीढ़ी है वो वो क्षेत्र वो के लोग हैं वो रिलेवेंट बने रहते हैं नहीं तो वे भी इरेवेंट हो जाते हैं और इसलिए यूनिवर्सिटीज का काम रहता है कि मूलभूत तत्वों का तो जरूर हम पढ़ना पढ़ा, पढ़ाना पड़ेगा लेकिन मूलभूत तत्वों को पढ़ते पढ़ाने के बाद उन्हीं मूलभूत तत्वों के आधार पर नए आविष्कार की ओर कैसे चला जाए नई खोज की ओर कैसे चला जाए मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं विश्व ने पिछले दो साल में जितने आविष्कार किए हैं उससे ज्यादा गत तीस चालीस साल में किए हैं जगत पूरी तरह बदल चुका है नए आविष्कारों ने जीवन को समेट लिया है हम कल्पना कर सकते हैं बीस साल पहले मोबाइल फोन का क्या रोल था और आज क्या रोल है एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जीवन को कैसे बदल दिया जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसे बदल गया जीवन जानने के रास्ते कैसे बदल गए एक आविष्कार पूरे युग को कैसे बदल देता है यह हमारे सामने हुई घटना है क्योंकि हम उस जीवन को भी जानते हैं जबकि मोबाइल फोन या कनेक्टिविटी नहीं थी और हम उस जीवन को भी जानते हैं कि जो उसके बिना जीने के लिए मुश्किल कर देता है उन दोनों चीजों के हम साक्षी हम कैसे ऐसे ऐसे अवस्था के लोग हैं जो दोनों के बीच ऐसे खड़े हैं जो कल भी देखा है और जो आने वाली कल की संभावना भी देख रहे हैं और यही हमें प्रेरणा देती है और इसलिए यूनिवर्सिटीज वो सिर्फ ज्ञान परोसने के केंद्र नहीं होते हैं यूनिवर्सिटीज ज्ञान अर्जित करने के केंद्र बनते हैं संशोधन करने के केंद्र बनते हैं और मुझे विश्वास है कि भले ये यूनिवर्सिटी नई हो लेकिन ये नई यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में इस पूरे रीजन के लिए यहां की समस्याओं के लिए यहां सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाने के लिए वो कौन सा सामर्थ्य पड़ा हुआ है जिस सामर्थ्य को अब तब तक हमने छुआ नहीं है वो सामर्थ्य को कैसे छुआ जाए और उसमें से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके दिशा में अगर प्रयास होता है तो मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी का काम सार्थक हो जाता है भारत में नई सरकार बनी है अभी तो इस सरकार की उम्र छह महीने है लेकिन भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं जी सकता है न ही भारत का निर्माण सिर्फ भारत के लिए बना है हमारे ऋषियों ने मुनियों ने महापुरुषों ने भी यह हमेशा कहा है कि भारत एक वैश्विक दायित्व को लेकर के पैदा हुआ है उसका जीव मात्र के लिए जगत मात्र के लिए कोई न कोई दायित्व है और उस दायित्व को पूरा करने के लिए उस देश को पहले सज्ज होना पड़ता है अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना पड़ता है भारत वो देश नहीं है कि वहां के करोड़ों करोड़ों नागरिकों का पेट भरने के लिए देश चलाया जाए भारत वो देश है जिसने विश्व को कुछ देने की जिम्मेवारी उसके सर पे है वो क्या देगा कब देगा कैसे देगा कौन देगा ये तो समय की तय करेगा लेकिन उसका कोई वैश्विक दायित्व है इस बात में किसी को कोई आशंका नहीं है दुनिया कहती है कि इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है और कुछ लोग कहते हैं कि एशिया में कुछ लोगों को लगता है चीन की सदी है किसी को लगता है कि हिंदुस्तान की सदी है लेकिन इस बीच में इस बात में कोई दुविधा नहीं है कि सारा विश्व ये मानता है कि इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और 21वीं सदी एशिया की सदी है तो फिर तो भारत की जिम्मेवारी और बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है लेकिन क्योंकि जब 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 मानव जात ने ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तब भारत विश्व गुरु के स्थान पर रहा है पूरा पांच हजार साल का इतिहास देखा जाए सोने की चिड़िया कहलाता था ज्ञान युग उसका नेतृत्व तो हमेशा भारत ने किया है शायद बाहुबल में वो काम नहीं आया होगा धन बल में भी काम नहीं आया होगा लेकिन जब ज्ञान के बल क्या सामर्थ्य की बात आती है तो भारत हमेशा आगे निकल चुका है और इसलिए भारत का दायित्व बनता है कि ज्ञान के माध्यम से और नई विधाओं का आविष्कार करके दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाए और भारत में सामर्थ्य है अभी भारत ने मंगलायन में सफलता प्राप्त की कुछ लोगों को लगता होगा भाई लोग चंद्र पर जा रहे हैं अब मंगल पर गए उस पर क्या है लेकिन पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाले हम अकेले हैं और आज डीजल और पेट्रोल के दाम इतने हैं कि एक किलोमीटर कहीं जाना है तो कम से कम दस रुपये खर्चा होता है हमें मंगलायन पहुंचने में एक किलोमीटर का सिर्फ सात रुपया खर्चा हुआ है यह संभव इसलिए होता है कि युवा शक्ति में सामर्थ्य है और भारत ने इसे एक सौभाग्य भी माना है एक जिम्मेवारी भी मानी है और एक अवसर भी माना है सौभाग्य यह है कि हम उसी युग के अंदर हैं, जबकि दुनिया में हिंदुस्तान सबसे जवान है पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है जिस देश में पैंसठ एट मिलियन लोग जो 35 साल से कम उम्र के हैं जबकि सारी दुनिया में सबसे ताकतवर देश भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं तो यह एक अवसर है पूरे मानव जात की सेवा करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवान के पास अवसर है उसे अपने आप को सज्ज करना होगा और हमारी सरकार का प्रयास यह है कि हमारी युवा शक्ति को अवसर दें और इसलिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है स्किल इंडिया दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत है उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हो स्किल डेवलपमेंट कैसे हो हर भुजा में हुनर कैसे हो ताकि वो दुनिया को कुछ न कुछ दे सके और ये हुनर ही तो है जिसके कारण सदियों पहले भारतीय दुनिया के कोने कोने में पहुंचे थे आपके पूर्व फिजी भी तो आए थे वो हुनर वो सामर्थ्य विश्व की आवश्यकताओं के अनुसार हु, हुनर विश्व पर बोझ बनने के लिए नहीं विश्व के भले भलाई के लिए इस युवा शक्ति को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सज्ज करना जोड़ना उसका एक ग्लोबल एक्सपोजर बने उसका सोचना का दायरा ग्लोबल बने वो वैश्विक परिवेश में सोचने लगे वो वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज करने के लिए आतुर हो ऐसी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास हमने प्रारंभ किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिम्मेवारी हिंदुस्तान निभाएगा दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत इस काम के लिए अपने आप को कर पाएगा एक जमाना था शिक्षा का महत्व था अक्षर ज्ञान का महत्व था पढ़ने पढ़ाने का महत्व था लेकिन वो युग बहुत पीछे रह गया है आज आज कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से अनभिज्ञ है अगर आपका ज्ञान है तो कोई आपको शिक्षित मानने को तैयार नहीं है परिभाषा बदल गई है और ये नई टेक्नोलॉजी की गति इतनी तेज है कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अगर आपकी माताजी देखे या दादी मां देखे तो गर्व करते हा बेटा तुझे इतना सारा आता है कैसे करते हो लेकिन अगर आपका 10 साल का पोता देख ले तो कहता है क्या दादा आपको कुछ नहीं आता है ये इतना अंतर है दो तो पीढ़ी पे कि जिस काम के लिए आपकी दादी माँ गर्व करती है कि मेरा पोता बहुत अच्छा जानता है उसी व्यक्ति को उसी काम करता हुआ देख करके पोता कहता है दादा तुम्हें कुछ नहीं आता है आप अनपढ़ हो आप कल्पना कर सकते हैं तीन पीढ़ी मौजूद हो तो इतने तो ही दायरे में ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा दायरा बदल दिया है और तब जाकर के हम उसे अछूते नहीं रह सकते एक समय था गरीब और अमीर के बीच की खाई की चर्चा हुआ करती थी हैव नॉट की चर्चा हुआ करती थी एक बार दुनिया के अंदर आने वाले दिनों में चर्चा उस बात की होनी चाहिए है डिजिटल डिवाइड की और पूरा विश्व अगर डिविजल डिवाइड डिजिटल डिवाइड का शिकार बन गया तो जो पीछे रह गया है उसको आगे जाने में दम उखड़ जाएगा और इसलिए कैसे भी करके दुनिया को इस डिजिटल डिवाइड के संकट से बचाना पड़ेगा भारत ने कोशिश की है डिजिटल इंडिया ये सपना देखा है जैसे एक सपना देखा है स्किल इंडिया दूसरा सपना देखा है डिजिटल इंडिया आधुनिक से आधुनिक विज्ञान आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी उसकी उंगलियां पर होनी चाहिए वो सामर्थ्य उसमें होना चाहिए और भारतवासियों के संबंध में लोगों का देखने का दृष्टिकोण बड़ा अलग है मुझे एक घटना बराबर स्मरण आती है मैं एक बार ताइवान गया था तो ताइवान में जो उनका एक इंटरप्रेटर था वो कंप्यूटर इंजीनियर था और मेरी कोई सात आठ दिन की वहाँ टूर थी तो मेरे साथ रहता था वो ताइवानी चाइनीज लैंग्वेज ज़्यादा उपयोग करते हैं बोलता है तो वो मुझे इंटरप्रेट करता था वही काम करता था चौबीसों घंटों मेरे साथ रहता था धीरे-धीरे दोस्ती हो गई दोस्ती हो गई तो फिर एक दिन हिम्मत करके उसने मुझे पूछा आखिरी दिनों में कि मैं आपको एक बात पूछूँ मैं पूछिए बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना कहा नहीं, नहीं आप पूछ लीजिए नहीं 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 आपको बुरा लग जाएगा बेचारा संकोच कर रहा था पूछ नहीं रहा था मैंने कहा बताइए ना क्या पूछ रहे हैं आपको उसने तो 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 कहा कि हमने सुना है पढ़ा है कि हिंदुस्तान तो जादू टोना करने करने वाले लोगों का देश है ब्लैक मैजिक वालों का देश है सांप सफेद वालों का देश है बोले सचमुच में ऐसा देश है मैंने पूछा मुझे क्या मुझे देख करके क्या लगा तुझे <laughs> मैं तो कोई जादू जादू करता नहीं हूं उसने कहा नहीं आपको देखने के बाद ही मन करता है मैं पूछूं क्या है मैंने कहा तुम्हारा तो सवाल सही है एक जमाना था हमारे पूर्वज साफ सफेरे की दुनिया में जीते थे लेकिन अब हमारा बड़ा डिवेल्यूशन हो गया है अब हमारे में कोई वो ताकत सांप वाली रही नहीं है और इसलिए हम हम माउस से खेलते हैं और हिंदुस्तान का नौजवान माउस पर उंगली दबा करके दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है आज यह सामर्थ्य हमने पैदा कर दिया नया डिजिटल वर्ल्ड है उसमें भारत के नौजवानों ने अपनी कमाल दिखाई है लेकिन इतने से ही सीना तान करके रहने से काम नहीं चलने वाला है हमने आने वाली शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को सज्ज करना होगा अपने आप को तैयार करना होगा उन नई ऊंचाइयों को पार करना होगा और वो अगर हम कर पाते हैं तो हम विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं हमारा प्रयास उस दिशा में है हमने एक ऐसा अभियान चलाया है जो यहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं उनको जरूर मन को पसंद आया होगा और वो है स्वच्छता का अभियान क्लीनलीनेस क्योंकि आपके बच्चे हिंदुस्तान आने की बात होती थी नहीं नाक सिकुड़ जाता है हम ऐसा देश बनाएंगे आपके बच्चों को वहाँ आने का मन कर जाए अब उसको नाक सिकोड़ने की इच्छा नहीं होगी उसको आने का मन कर जाएगा ऐसा देश बनाना है और उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं आज सुबह में आया यहाँ की सरकार ने बहुत ही स्वागत किया सम्मान किया हमने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ निर्णय किए हैं एक तो भारत की तरफ दुनिया का बहुत ध्यान है सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही तो जाना चाहते आना चाहते लेकिन आपको कभी कभी तो लगता होगा भाई अस्पताल जाना अच्छा है लेकिन एम्बेसी में जाना बुरा है <laughs> मैं भले फिजी पहली बार आया लेकिन आपकी पीड़ा मुझे पता रहता है लेकिन आप सज्जन लोग हैं इसलिए शिकायत करते नहीं है हमने निर्णय किया है अब फ़िज़ी से और ये इस पैसिफिक महासागर के टापुओं से आने वाले लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन वही बदलाव लाती है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आज भारत ने यह भी कहा है कि फिजी में स्मॉल और मीडियम लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए फाइव मिलियन अमेरिकन डॉलर फिजी को हम देंगे जी के नागरिकों को भारत स्कॉलरशिप देती है यहाँ के स्टूडेंट्स को यहां के ट्रेनीस को हमने निर्णय किया है कि वो संख्या डबल कर दी जाएगी जो समुद्री तट पर रहने वाले देश हैं भारत के पास भी बहुत बड़ा समुद्री तट है और जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है तो समुद्री तट पर रहने वाले सबसे ज्यादा चिंतित तो होते और कभी पढ़ लें नोस्टर की आगाही तो उनको तो कली दिखता है कली डूबने वाला है ऐसा ही सोचता है कि वो और कभी अखबार में आ जाता है दो मीटर चढ़ जाने वाला है कभी सी, तीन मीटर तो वो सोचता है मेरा घर तो दूर ले जाऊंगा एक बहुत बड़ा तनाव रहता है और उसमें भी अगर एक बार ज्यादा ही में उछाला आ गया तो लगता है यार लगता है अब तो आया मौत सामने दिखती है ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है दुनिया को चिंता है और ऐसी जगह पर रहने वालों को ज्यादा चिंता है भारत भी उसमें से एक है इसकी समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा हमारी जीवन शैली को बना, बदलना पड़ेगा एक्सप्लेटेशन ऑफ द नेचर ये क्राइम है ये हमने स्वीकार करना पड़ेगा मिल्किंग ऑफ द नेचर इतना ही मनुष्य को अधिकार है एक्सप्लेटेशन ऑफ द नेचर मनुष्य को अधिकार नहीं है तो जो बिगड़ा सो बिगड़ा लेकिन आगे न बिगाड़े ये जिम्मेवारी हमने निभानी होगी पूरे विश्व को निभानी होगी लेकिन जो बिगड़ा है उसको भी बनाने की कोशिश करनी होगी और इसलिए इस बार हमने तय किया है वन मिलियन अमेरिकन डॉलर से एक एडेप्शन फंड के रूप में एक फंड बनाया जाएगा ताकि इस भूभाग में टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेशन करके इस ग्लोबल वार्मिंग के तूफानों से कैसे बचा जा सके यहाँ के जीवन को कैसे रक्षा मिले उस दिशा में काम करने का आज हमने निर्णय किया है ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं तो एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है और उसके लिए हमने तय किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी हो सोलार एनर्जी हो विंड एनर्जी हो इसको जनरेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सेवेंटी मिलियन अमेरिकन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का हमने तय किए फिजी की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी आधुनिक बने ई लाइब्रेरी बने उसकी जिम्मेवारी भी भारत लेगा हां उस लाइब्रेरी का उपयोग हर किसी को हो सके राजदूत निवा भवन बनाने का सोचा है आप लोग करके देखिए बनाइए हम लोग आपके साथ रहेंगे तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास और वो मोदी नहीं कर रहा है नहीं सरकार कर रही है सवा सौ करोड़ देशवासी कर रहे हैं हर हिंदुस्तानी के मन में एक जज्बा पैदा हुआ उसको लगता है नहीं मेरा देश ऐसा नहीं रहना चाहिए और कभी कभी तो लगता है कि लोग बहुत आगे हैं सरकार बहुत पीछे है लेकिन जिस तेज गति से आज देश चल पड़ा है वो तो चलता रहेगा और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण वसुधैव कुटुंब की भावना के कारण सर्वे पे सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया भाव के कारण जिसकी सोच जिसके विचार जिसके आचार में ये चिंतन पड़ा है वो अगर ताकतवर होता है तो विजी का भी भला होता है इस उपखंड का भी भला होता है मानव जात का भी भला होता है हरेक की भलाई के काम में आने वाला देश बन सकता है तो मैंने प्रारंभ में कहा था एक वैश्विक दायित्व को निभाने के लिए राष्ट्र को तैयार होना चाहिए और जिस दिशा में दुनिया जा रही है उसमें लगता है कि भारत अपने मूलभूत चिंतन के द्वारा विश्व की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और उस दिशा में काम करने का प्रयास चल रहा है मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं यूनिवर्सिटी को मेरी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा कि यहां से भी ऐसे रत्न पैदा हो जो पूरी मानव जात को चमकती करने का सामर्थ्य रखते हो ऐसी यहां की शिक्षा दीक्षा बने बहुत बहुत